हाँ जा भैया, आज हम आपको वो चीज़ बताएंगे कि कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज नहीं सिखाएगी भैया। आज हमको आप ऐसे बताएंगे कि भैया पैसे वाले कैसे बने। अगर आपको नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं कि भैया साल 2 साल में हम रिटायर भी हो जाएंगे इस प्रदेश में। भैया यहाँ कनाडा में बहुत लोग PR पे, स्टूडेंट वीज़ा लेके, नहीं तो परमानेंट रेसिडेंसी पे आते हैं, पूरी ज़िंदगी काम करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन हम तो भैया गांव के गवार आदमी हैं। साल 2 साल 5 साल में हमने इतना अच्छा सेट हो गए कि हम थोड़े ही 1-2 साल में एकदम रिटायर हो जाएंगे भैया। तो हमने ये ऐसा किया कि 10 पॉइंट हमने बनाए कि ये 10 पॉइंट कैसे हैं कि जिसकी वजह से आप कायदे से एकदम बढ़िया से धीरे धीरे अच्छे से पैसे कमा सकते हो भैया, और ये 10 पॉइंट आप इंडिया में भी यूज़ कर सकते हो भैया। तो हमने उसका पूरा का पूरा यहाँ पे लिस्ट बना रखा है भैया। और ये चीज़ क्या अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में ये सिर्फ नहीं बताते हैं कि कैसे पैसे बनाएं, लेकिन उसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग डैम में घूमने आए हैं भैया। देखो जैसे इंडिया में डैम होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, वैसे यहाँ पर कैनेडा में भी डैम होता है, लेकिन इसमें एक ही तकलीफ होती है कि यहाँ पर स्नो बहुत गिरती है। तो पूरी की पूरी नदी देखो मेरे पीछे जाम हो गई है भैया। तो हम थोड़ी देर पहले बात करेंगे, फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे डैम कैसा होता है। चलो पहले सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि कौन सी 10 चीज़ ऐसी हमने ध्यान में रखी कि जिसकी वजह से हमने छोटी ही उम्र में बढ़िया पैसे बना लिए भैया। तो उसका पहला कारण है स्पीक लेस, कम बोलिए भैया। हम गाँव के आदमी, हम तो इंग्लिश तो आती नहीं थी, तो ये गोरे जो भी बोले भैया हम तो शांति से सुनते रहते थे। और आजकल क्या है भैया, हर एक लोगों को बोलना बड़ा ही अच्छा लगता है भैया, तो उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने का बहुत शौक है, अपन शांति से सुनने लीजिए। तो सुनने से ज़्यादा आपको नॉलेज भी बढ़ेगी भैया मुफ्त में, और आपका उसको उसको समझेगा कि भैया ये मेरे को रेस्पेक्ट भी दे रहा है। तो सुनिए है ना, आप ज़्यादा सुनना कीजिए और बोलिए कम भैया। ये इंडिया में भी बहुत तकलीफ हो गई है, लोग बहुत बोलते हैं लेकिन सुनते ही नहीं है कोई। अगर सुनेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे भैया, तो आप सुनना शुरू कर दीजिए भैया। दूसरी चीज़ क्या है बताओ भैया, कंप्लेन मत कीजिए। कोई भी बॉस होगा इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश में जाएंगे, अगर आप कंप्लेन करेंगे तो सामने वाले को अच्छा नहीं लग जाएगा। अभी मैं कल की ही बात बताता हूँ भैया, हम 3रे मंजिले पर, हमारा बॉस टैबलेट भूल के आया था, हमको बोले ले के आओ, हम दौड़ के ले के आए। लेकिन आपको यह सोचना है कि आपको क्या फ़ायदा हुआ भैया। हमने चलो सोचा भैया हमारी एक्सरसाइज भी हो गई। अभी अगले हफ्ते हमारे बॉस ने भैया बोला कि आधा घंटा रुकेंगे, हम बोले 1 घंटा ज़रूर रुकेंगे भैया। उससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ मालूम है भैया, उससे हमारा उसका पर्सनल कनेक्शन हो गया। हमने अपने पिताजी माताजी सबकी बात बताई और उसको मालूम पड़ा कि ये भाई कैसा है। अगर प्रमोशन की बात आई तो भैया यही काम काम करती है। तीसरी मैं चीज़ बताऊँ भैया, सबके मनों को जीतने के लिए खाना बहुत ज़रूरी है भैया। मैं तो बोलता हूँ हर जगह पे, अगर इंडिया में, कनाडा में, कोई भी देश में हो, आप अच्छा से इंडियन फूड बना के अपने दोस्तों के लिए ले जाए, अपने बॉस के लिए ले जाए, उनको बहुत ही अच्छा लगता है भैया। कभी कभी उनके लिए काफ़ी ले जाइए। इनका खर्च क्या होता है भैया, $2, $5, उससे आपको वो आपका खाना खाएगा तो आपके विरुद्ध नहीं बोलेगा भैया, वो हमेशा आपकी ही साइड लेगा। और जो चौथी जो ज़्यादा चीज़ है वो लैंग्वेज भैया। लैंग्वेज तो अपने को इतनी आती नहीं है, लेकिन जो भी आती है हम लोग टूटी फूटी करके धीरे धीरे से बोलिए भैया। किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश मत कीजिएगा, इतनी ही इंग्लिश बोलिए कि सामने वालों को मालूम पड़े। अगर आपने टूटी फूटी बोली तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा भैया। और जो मैं 6ठी बात बताता हूँ भैया, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट कीजिए। जैसे इनका क्रिसमस हुआ, इनकी बर्थडे हुई, ये बहुत इनके मायने रखता है भैया। उनको विश बोलिए कि हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी नाइस डे, हैव अ नाइस डे, इनको बहुत ही बढ़िया लगता है भैया। और दूसरी क्या, मैं 7वीं चीज़ क्या बताना चाहता हूँ भैया, बी नाइस, हमेशा हंसते रहिए। कोई भी आदमी आपको सवाल पूछे तो यस सर ऐसा करके ही उसको जवाब दीजिएगा भैया, इनको बहुत ही अच्छा लगता है। और भैया एक अच्छा होने में क्या, बी नाइस होने में आपको कोई खर्चा भी नहीं लगता है भैया। और ये 10ों चीज़ अपना उपयोग करेंगे उसमें आपका घर का 1 रुपया भी खर्चा नहीं होगा भैया। ये 10ों चीज़ आपके पास मुफ्त में है भैया, मुफ्त में, और मुफ्त में आपका बहुत ही फायदा होगा भैया। जो 8वीं चीज़ है वो टाइम भैया, टाइम का बड़े आप वैल्यू कीजिए भैया। हमारी जॉब 8 बजे शुरू होती है, हम 7:30 बजे ही पहुँच जाते हैं भैया। हमारी जॉब शाम को 5 बजे ख़त्म होती है, हम 6:30 बजे घर पर आते हैं।
थोड़ा ज़्यादा काम भी कर लीजिए भैया। और दूसरी चीज़ क्या है भैया, पता है सब लोग यहाँ पे आके 8 घंटा काम करते, उनकी प्रगति 8 घंटे की ही होती है। हम लोग यहाँ पे 16 घंटा काम करते हैं भैया, जॉब भी करते हैं, 3 बिजनेस भी चलाते हैं भैया। तो मेरी प्रगति जो 8 घंटा काम करता है उनसे डूबने रूट पे होगा। तीसरी चीज़ मैं टाइम में क्या बताता हूँ भैया, फालतू फोकट के जो फ्रेंड है भैया उनको काट के उनकी छुट्टी कर दीजिए, क्योंकि वो आपका टाइम बिगाड़ते हैं भैया। को फालतू फोकट के आपके रिलेटिव्स है जो रोतड़े होते हैं उनको बाय बाय कर लीजिए। अगर आप टाइम की कीमत करेंगे तो टाइम आपकी भी कीमत करेंगे भैया। और मैं तो बोलता हूँ भैया सुबह में जल्दी उठा कीजिए, ये सुबह में जो 5 से 7 का जो समय होता है, आ हा 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 हा, एकदम फर्स्ट क्लास समय होता है। होता है कि नहीं होता है भैया, बताइए आप मेरे को कमेंट में लिख के बताइए कि सुबह का समय कैसे होता है। अगर आप सुबह में भाई सोते रहे 8-10 बजे तक, तो उठे फिर खाना खाया, तो दिन पे दिन गुजर जाएंगे और आप वहीं के रह जाएंगे। हम तो बोलते हैं सुबह पे उठिए, एकदम फर्स्ट क्लास प्लानिंग कीजिए भैया, ऐसे किताब लेके आप प्लानिंग से काम कीजिए तो आपकी ज़रूर से प्रगति होगी। और मैं दूसरी चीज़ क्या बताना चाहता हूँ आपको, ऑनेस्टी तो बहुत ही ज़रूरी है भैया। आपको 100% ऑनेस्ट होना चाहिए, तभी लोग आपको विश्वास करेंगे। अगर आपके पास ऑनेस्टी नहीं होगी, आप चीटिंग करेंगे, सबसे गेम प्लेइंग करेंगे, तो अच्छा नहीं लगता भैया। अगर आप ऑनेस्ट होगे तो क्या सबको एक बार मालूम पड़ जाएगा ये भैया एकदम 100% ऑनेस्ट है। और ऑनेस्ट आदमी सबको अच्छा लगता है भैया। आप काम में ऑनेस्ट रहिए, अगर आपको कोई चीज़ मिलता है तो उनकी वापस कर दीजिए, तो ऊपर से भगवान भी देखता है भैया और आजू बाजू वाले लोगों भी लगता है कि ये भाई बड़ा ही ऑनेस्ट है भैया। और एक चीज़ क्या बताओ भैया, यहाँ पे अल्कोहल ड्रग्स सब फालतू फोकट में ऐसे ही मिलता है, अपने संस्कार मत भूलिए भैया। मैं तो बोलता हूँ ये गुटखा बीड़ी तम्बाकू उसका सेवन मत कीजिएगा, क्योंकि ये गुटखा बीड़ी तम्बाकू का आप सेवन करते हैं तो तम्बाकू आपका सेवन करता रहता है भैया, आपका दिमाग भ्रष्ट हो जाएगा, आप अपने फैमिली के साथ गुस्सा हो जाएंगे, पैसे सब चले जाएंगे भैया, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। एकदम नेचुरल ब्रेन से बढ़िया सी चाय पी के एक अच्छा सा प्लानिंग करके आप सुबह में दिन शुरू कीजिए, 1 दिन 5 दिन 1 महीना प्लानिंग करके मेरे को आप बताइए कि आपका कितना ग्रोथ हुआ भैया। आप कायदे से ज़िंदगी जिएंगे तो बढ़िया सी आपकी एकदम फर्स्ट क्लास ज़िंदगी हो जाएगी भैया। और एक मैं क्या चीज़ बताना चाहता हूँ भैया, एक आप अच्छा सा एटीट्यूड भी रखिए। ये अच्छा एटीट्यूड रखने से क्या होता है भैया कि आप हमेशा पॉजिटिव रखिए। कोई भी आदमी कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप यस से ही जवाब दीजिए भैया। पॉजिटिव रहने से आपका भी अच्छा रहेगा। अगर आप किसी और के बारे में बुरा सोचेंगे तो उसमें नेगेटिव एनर्जी आपकी ही रह जाएगी। जैसे आप अपने भाई से या फ्रेंड से गुस्सा है तो घर पर आपके आपने खाया नहीं खाया, फैमिली वालों से झगड़ा कर दिया, तो किसकी एनर्जी जाएंगी भैया, आपका ग्रोथ रुक जाएगा। इसके लिए मैं तो आपको, अरे देखो कितना बड़ा सा ट्रक जा रहा है भैया, देखो अरे रे 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 कितना बड़ा सा ट्रक जा रहा है भैया। हमारी चैनल पे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाए हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये नदी बताना चाहता हूँ भैया। देखो बढ़िया एकदम नदी, पूरी पूरी नदी एकदम सर्दी की वजह से जाम हो गई है। इस डैम का अभी कोई उपयोग ही नहीं है भैया। हम लोग जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भैया, लेकिन उसके साथ हम चल के बात भी करते हैं भैया। तो हमने बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो भी बनाया है भैया। अभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में एकदम एक मेंबर था, आज हमारे ग्रुप में 20 मेंबर हो गए भैया। हम तो बहुत ही खुश हुए हैं भैया। हम चाहते हैं कि हम बड़ा सा बड़ा ग्रुप बना के सबको भैया एकदम हेल्प कर सकें और सबको अच्छा सा गाइडेंस बना सके भैया। मेरे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो करीबन 20 अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, कि इलेक्ट्रिशियन का जॉब, अलग अलग सभी कारपेंटर का जॉब, सभी के बारे में मैंने अच्छे अच्छे वीडियो बनाए और वो सभी अभी एडिटिंग में है भैया। तो आप अगर अगले 1-2-3 हफ्ते में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो हमारे पे आए हैं भैया। उसके अलावा आपके पास कोई भी अच्छा सा क्वेश्चन हो, कोई भी आपका कमेंट हो, तो मेरे को आप लिख के बताइए भैया कि आपको क्या जानना चाहते हो, हम उसके बारे में ज़रूर ही आपको जानकारी देंगे भैया। और बहुत सारे लोगों ने हमारी कमेंट में व्हाट्सएप में नंबर भी डाला है, तो उसके लिए हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से भैया आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने अपने जो परदेसी भाई को इतने प्यार से न्योछावर कर दिया, हमें बहुत ही खुशी हुई भैया। इसीलिए तो हम बताते हैं भैया, आज हम इतने सालों से परदेश में हैं तो हमें इंडिया क्यों अच्छा लगता है। हमारे भारत के भाई बहन बहुत ही बढ़िया है भैया, एकदम फर्स्ट क्लास, इतना प्रेम से सबको मिलाते हैं। देखो अभी हम रोड क्रॉस कर रहे हैं भैया, देखा ये हाईवे पे दम दुकार सब गाड़ी आ रही है, सब देख दाख के चलना पड़ता है। चलो ये गोरी सफ़ेद गाड़ी आती है, हम लोग उससे पहले क्रॉस ही कर लेते हैं रोड। अभी हम लोग ये
जो दूसरा डैम है उसकी तरफ जा रहा है। ये गोरे लोग देख रहे हैं कि भैया ये क्या रिकॉर्ड कर रहा है रोड पे। तो ये तो है भैया, ये ब्लॉगर की काम ही ऐसा है कि आप वीडियो बनाते हैं तो सबको ये लगता है कि ये पागल की तरह भैया क्यों कैमरा चलाते हैं। लेकिन हम क्यों करते हैं भैया मालूम है? क्योंकि हम सेल्फिश नहीं हैं। बहुत लोग परदेश जाने से अपने आप को बड़ा ही ऐसा समझने लगता है कि हम सबसे अच्छे हो गए हैं, सबसे अमीर हो गए हैं। हम गांव के आदमी, हम सबको सिखाना चाहते हैं भैया कि हम कैसे छोटे से आदमी से इतने बड़े अच्छे से देश में आके ठीक ठाक तरह से सेट हो गए। भैया हम लोग आपको सिखाना चाहते हैं कि भैया कैसे छोटी सी उम्र में अच्छे से पैसे कैसे बनाएं, क्योंकि ये कोई यूनिवर्सिटी कोई कॉलेज में कोई ये सिखाता ही नहीं है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज में सब ये लोग कैसे भैया ये इकोनॉमिक्स सिखाते हैं, मैनेजमेंट सिखाते हैं, मैथमेटिक्स। अरे वाह देखो कितना फर्स्ट क्लास आ रहा है भैया। अभी रुक जाओ, जाना मत, क्लिक मत कर देना वीडियो, हमको बहुत दुख लगेगा भैया। देखो ये कायदे से देखो है ना, एकदम फर्स्ट क्लास है कि नहीं बताओ भैया। आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कैसा है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये बड़े बड़े पर्वत है भैया, देखो दिख रहे हैं। अभी हम बताते हैं भैया इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, जाइएगा नहीं भैया। एकदम एकदम देखो कायदे से, ये जो बड़ी सी नदी में से थोड़ा थोड़ा जो बर्फ़ पिघल के आ रहा है वो दम धोकार भैया देखो नीचे जा रहा है ना, ये पानी आगे जाता है और वहाँ पे भैया एक टरबाइन घूमती है, उसकी वजह से पूरी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है भैया। और वही इलेक्ट्रिसिटी इन गांवों में सभी जगह पे भैया होती है, जाती है भैया। अरे हम डैम बताना था भूल ही गए, हमारे पीछे ये बड़ा सा जो तीन है तीन दरवाजे का ये डैम लगा हुआ है भैया। तो आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया अगर आप फेसबुक नहीं तो व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी भाई बहन भैया ये सीख सके कि परदेश में कैसी ज़िंदगी जिए और कैसे पैसे बचाए और कैसे हम छोटी सी उम्र में ही अच्छी सी ज़िंदगी जी सकते हैं। भैया आपके समय के लिए आपका परदेसी भाई को आपको यहाँ से आपको सलाम।